एक शख्स पेड़ से बंधा है और गांव वाले उसकी पिटाई पर आमादा हैं। आमादा ही क्यों, देखिए पीट भी डाला। तस्वीरें देखने से ऐसा लग रहा है मानो किसी चोर को पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहां तो पुलिस वाले को ही पेड़ से बांधकर उसकी धुनाई की जा रही है। तस्वीरें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की हैं, जहां के घोसुंडा क्षेत्र के गाडरियावास गांव में एक पुलिस वाले की पिटाई चल रही है। इस पुलिस वाले पर आरोप ही ऐसा लगा है कि जो भी इसके पास आता है इसे दो थप्पड़ जरूर मारता है। बताया जाता है कि जनाब के थाने में भैंस चोरी के मामले की एक रिपोर्ट लिखवाई गई थी, लेकिन ये साहब चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित परिवार से पूछताछ में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। एक दिन ये शिकायत लिखवाने वाले के घर बिना बताए ही पहुंच गए और घर के अंदर दाखिल भी हो गए। घर में मौजूद अकेली महिला को देखकर इस पुलिस वाले का ईमान डोल गया। पहले हाथ पकड़ा, फिर अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश करने लगा। इस बीच घर का मुखिया भी वहां पहुंच गया और इस पुलिस वाले को घसीट कर बाहर ले आया। फिर तो इसकी शामत ही आ गई। दादाजी नहीं है, मैं दादाजी नहीं है, खेत पे गया वापिस, ये कल आओ तो मैं कल आओ तो एक कितने बजे आएगी तू, तो मैं एक डेढ़ बजे मैं खेती दान की करती हूँ, मजदूरी करके पेट भरती हूँ, तो डेढ़ बजे आऊंगी, डेढ़ बजे आएगी। फिर बस फिर बाद में तो इन्होंने फोन लगाए तो क्या मैं आ जाऊँ, जमी के दादाजी भी है आ जाओ आप, दादाजी ना रहे थे डायरेक्ट अंदर करके अंदर अंदर आके और मरीज को ऐसे कोई गलत हरकतें करने लगा। इस पुलिस वाले की बेशर्मी तो देखिए, इतनी पिटाई के बाद भी ये पुलिस वाला होने का रौब दिखा रहा है, लोगों को समझा रहा है कि वो इसके साथ गलत ना करें, लेकिन गांव के लोग कहां मानने वाले थे। पेड़ से बांधकर इसकी सारी आशिकी काफूर कर डाली। ये मेरे गुआड़ी मेरे पिताजी स्नान करे थे दरवाजे में घुसते ही, पिताजी ने कार्रवाई करी थी मेरी, तो पिताजी के नाम से रिपोर्ट, पिताजी से कार्रवाई करनी चाहिए इनको, कार्रवाई रिपोर्ट ने कही अंदर लेडीज थी, तो ये पीछे मेरे एक रिश्तेदार है, पीछे बाड़ा मकान है, काम चल रहा है मेरा, पीछे जा कर के इधर से पीछे के रास्ते से ये घुस गया अंदर, ठीक है, अंदर घुस गया तो बाढ़ के थी, तो बाढ़ के ये अच्छा तुम बाहर जाओ, कि तुम बाहर जाओ, बाहर जाते बाढ़ के मेरे को बुलाने ले आएगी, तो मैं आए जैसे जैसे आए तो मैं उधर 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 जाता तो उधर तो नहीं था, मैं जो किधर कुमार खुला था, मैं इधर कुमार लगा था, उधर जाके जैसे जगह तो अंदर माचा पे सोया हुआ था और मैं जा कर के इनको उठा अंदर से, फिर काम कर रहे तो मैंने हाथा बाढ़ लगे तो मकान के अंदर दौड़ दौड़ के आ गए सारे आदमी, फिर से अंदर बाहर ला करके इनको यहाँ रोक दिया इनको, फिर पका यहाँ से तो मेरे को छोड़ा के हाथ बाढ़ पक गया, तो वहाँ से मेरे मेन दरवाजा का रोड के दरवाजे के अंदर से इसको पकड़ लिया वापस, मैंने पकड़ के लिया दुआ रख दिया, फिर मेरी पब्लिक गाँव में तो इकट्ठी होगी सारी खेती क्या मामला, तो ये ऐसा था कि 12 तारीख को तो मेरे भाई भैंस ले की खोल, ये 5 साल से वहीं रह रहा है, कहीं जो भैंस खोल के ले गया तो ये रात को ले गया, 13 तारीख मेरे पिताजी मेरे यहाँ मुकदमा दर्ज कराया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, फिर कार्रवाई ये आई जो अभी आ रहे 3 दिन से लगातार आ रहे थे, उसको तो नहीं पकड़ रहा नहीं, या कार्रवाई करते लेडी से ये पकड़ने के लिए। घटना की जानकारी मिलते ही चंदेरिया थानाधिकारी अनिल जोशी पुलिस फोर्स के साथ गांव में पहुंचे और जैसे तैसे इस पुलिस वाले को ग्रामीणों के चंगुल से रिहा करवाया, जाते जाते जांच का भरोसा भी देकर गए हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को ये भरोसा नहीं हो रहा कि पुलिस वाले ही पुलिस कर्मी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि मामला खाकी से जुड़ा है, लिहाजा जांच में गड़बड़ी की पूरी संभावना है। राजस्थान तक के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट।